आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे के बाद बीजेपी की जीत हुई, लेकिन अब यही सियासी भूचाल जो है बिहार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर अब मुश्किलें जो है बीजेपी की बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकार चला रही है जेडीयू के साथ और अब आरजेडी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है जिससे मुश्किलें जो है बीजेपी की बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से जो है यहां पर बड़ा दांव खेला गया है AIMIM पार्टी के 5 में से 4 विधायक कल जो है आरजेडी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अब तेजस्वी यादव जो है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं। जी हाँ, उनके पार्टी में जो है अभी 80 विधायक शामिल है और अगर गठबंधन की बात करें तो ये आंकड़े मिलाकर 122 यहां पर होने जा रहे हैं। जी हाँ, यहां पर अगर बहुमत की बात करें तो 122 विधायकों की जरूरत है यहां पर तेजस्वी यादव को, और अब बहुमत पेश करने के लिए महज 6 सीटों से दूर है तेजस्वी यादव। लेकिन अब कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, जिस तरह से शिवसेना की तख्ता पलट हुई, यहां पर बीजेपी ने जिस तरह से शिवसेना को सत्ता से हटाया, अब महाराष्ट्र का बदला जो है तेजस्वी यादव बीजेपी से बिहार में लेने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की गठबंधन की जो पार्टी है 116 विधायकों की मजबूत पकड़ के साथ अभी खड़ी है और 6 विधायकों का जुगाड़ अभी भी किया जा रहा है। तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो जेडीयू से भी लगातार संपर्क में है तेजस्वी यादव और पहले भी ऐसे दावे किए गए थे कि तेजस्वी यादव जो है जेडीयू से विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करवा सकते हैं। और अब ये 6 विधायकों का जो फासला है वो किस तरह से कम करेंगे तेजस्वी यादव, इस पर सबकी नजर है। और क्या आने वाले समय में जो 6 विधायक है जेडीयू से यहां पर आरजेडी पार्टी में शामिल होंगे, और अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव के पास जो है यानी कि आरजेडी के पास बहुमत हो जाएगी पेश करने के लिए और यहां बिहार में जो है नीतीश कुमार की कुर्सी को गिरा सकते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन अब देखना यही है कि बिहार में क्या बीजेपी और नीतीश कुमार का तख्ता पलट करने में कामयाब रहेंगे तेजस्वी यादव। और जो महाराष्ट्र की घटना हुई है, जो सियासी यहां पर संकट आया था महाराष्ट्र में, क्या वही चीजें बिहार में भी देखने को मिलेगी? आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।